नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गांव में 6 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क बनेगी पीसीसी। छठ की तैयारियां हुई शुरू, घाटों का निरीक्षण करेंगे अधिकारी। गंगा पर बनने वाले इस पुल से कम होगी इन राज्यों की दूरी। जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले के लिए खुशखबरी। सीएम सहित जल संसाधन मंत्री ने गंडक बैराज का किया निरीक्षण। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। AAI ने अप्रेंटिस के 175 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने विभिन्न डिसिप्लिन में ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 175 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा या ITI पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 नवंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero पर जाकर चेक कर सकते हैं। गांवों में 6 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क बनेगी पीसीसी। पंचायती राज विभाग की योजनाओं के तहत बनने वाली 6 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़कें पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट की होगी। विभाग ने यह साफ कर दिया है कि पंचायत के विभिन्न स्तर, ग्राम पंचायत, प्रखंड समिति और जिला परिषद के माध्यम से बनने वाली सभी सड़क पीसीसी होंगी। विभाग के प्रधान सचिव ने इस बाबत सभी जिलों को पत्र भी भेज दिया है। यह नियम गली नाली पक्कीकरण योजना में भी लागू होगा। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि 6 फीट से कम चौड़ी सड़कों पर बड़े वाहन नहीं चलते हैं। गांव की गलियों में मुख्य रूप से ऐसी सड़कें होती हैं, इसलिए ऐसी सड़कों पर पेवर ब्लॉक ही बेहतर होगा और इसकी मरम्मत भी आसान होती है। राजा विशाल का गढ़ इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है वैशाली में राजा विशाल का गढ़। वैशाली में राजा विशाल का गढ़ एक जबरदस्त पहाड़ी है। पहाड़ी के किनारों पर टावर बना हुआ है। यह एक नहर से भी घिरा हुआ है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस पहाड़ी का विशाल चरण राजा विशाल की संसद थी। यहाँ 1 किलोमीटर तक 2-2 मीटर ऊंची डिवाइडर जैसी रूपरेखा है। यह जगह एक बार में 7,000 लोगों की कुल आबादी को समायोजित कर सकती है। यहाँ पर एक कोरोनेशन टैंक भी है। यह इस टैंक के पानी का इस्तेमाल राजा विशाल के समय के दौरान चुनिंदा प्रतिनिधियों को आशीर्वाद देने के लिए किया जाता था। दशहरा की छुट्टियां मनाकर गांव से लौटे पंकज त्रिपाठी। बॉलीवुड के मशहूर नेता बिहार के पंकज त्रिपाठी को भारत निर्वाचन आयोग ने उन्हें राष्ट्रीय आइकॉन बनाया है। राष्ट्रीय आइकॉन बनने के बाद पहली बार पंकज त्रिपाठी पत्नी मृदुला तिवारी के साथ दशहरा की छुट्टियों में अपने गांव बेलसंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान जरूर करना चाहिए। गाँव पहुंचे पंकज त्रिपाठी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, जहां वो पेड़ पौधों को निहारते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच पंकज त्रिपाठी ने कहा कि गाँव आए हैं, बहुत आनंद मिल रहा है, घूम घूम कर पेड़ों को देख रहे हैं। पिछले महीने पेड़ लगाए गए थे, समय समय पर मैं इसका अवलोकन करता रहूंगा। गांव में सड़क किनारे एक भी पेड़ नहीं थे। इसके बाद अब पंकज त्रिपाठी मुंबई वापस लौट गए हैं। छठ की तैयारियां हुई शुरू, छठ घाटों का निरीक्षण करेंगे अधिकारी। दुर्गा पूजा खत्म होने के साथ ही अब छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजधानी पटना में पटना नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले गंगा के 92 घाटों पर छठ को लेकर तैयारियां बीते दिन से शुरू कर दी गई है। छठ में अब महज 20 दिनों का वक्त बचा है। इसके लिए घाटों की स्थिति, संपर्क पथ, रोशनी की व्यवस्था से संबंधित सभी जरूरी सुविधाओं को लेकर निगम के पदाधिकारियों को घाट घाट निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। नगर निगम ने फिलहाल 92 घाटों और 55 तालाबों को चिन्हित किया है, जिसे छठ के लिए तैयार किया जाएगा। पटना नगर निगम की ओर से महापर्व छठ के लिए घाट निर्माण, सफाई एवं अस्थायी बैरिकेटिंग, चेंजिंग रूम सहित घाटों को सजाने का काम निगम करेगा। बिहार में गंगा पर यहां बनेगा एक और पुल। गंगा पर बनने वाले इस पुल से कम होगी इन राज्यों की दूरी। बिहार में गंगा नदी पर एक और पुल बनाया जाएगा। यहाँ पुल बेगूसराय जिले में मटिहानी और सांभू के बीच गंगा नदी पर बनाया जाएगा। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारतमाला परियोजना के तहत इसे प्राथमिकता के आधार पर चयन किया है। वहीं इस पुल के DPR बनाने की भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही इसके निर्माण के लिए अधिकारियों को आगे की कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया गया है। अब इस पुल को बनाने वाली निर्माण एजेंसी के चयन के लिए टेंडर नवम्बर तक जारी होने की संभावना है। इस पुल को बनने से उत्तर बिहार और बंगाल, उत्तर बिहार और झारखंड
झारखंड सहित ओडिशा की दूरी करीब 76 किलोमीटर कम हो जाएगी। यहां लगेगा लेदर गारमेंट फैक्ट्री। बिहार का उद्योग मंत्रालय मधुबनी जिले में बड़ा निवेश करने जा रही है। मधुबनी के पंडौल परिसर में लेदर गारमेंट फैक्ट्री लगेगी। बता दें कि हाल ही में लेदर फैब्रिक बनाने वाली कंपनी सावी लेदर्स बिहार आई थी। इस कंपनी ने मधुबनी में चमड़े के उत्पाद की फैक्ट्री लगाने के लिए 15 एकड़ जमीन की मांग की है। पंडौल औद्योगिक क्षेत्र में 15 एकड़ भूमि के लिए आवेदन वियाडा को सौंप दिया गया है। इसकी जानकारी उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने ट्वीट के माध्यम से दी है। वहीं कोलकाता में चल रहे बिहार क्राफ्ट मेला में उद्योग मंत्री ने दौरा किया, जहां उन्होंने विभिन्न स्टॉल का भ्रमण किया और बिहार के हुनरमंद शिल्पियों, बुनकरों और उद्यमियों की हौसला अफजाई करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। यहां शुरू हुआ बिहार का सबसे बड़ा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर। आंख की समस्या से परेशान व्यक्तियों के लिए अच्छी खबर है। बीते दिन से बिहार का सबसे बड़ा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हो गया है। शिविर के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इन्हें राज्य सरकार से 20,000 मरीजों के ऑपरेशन का आदेश प्राप्त है, लेकिन मगध प्रमंडल के साथ जिलों में 5 टीम द्वारा लगभग 28,000 मरीजों का पंजीयन किया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो आगे मार्च महीने में फिर से मिनी कैंप लगाकर ऑपरेशन किया जाएगा। बता दें कि बीते पूर्व से पंजीकृत किए गए मरीजों का पंजीयन और जांच कार्य शुरू हो गया है। इनका शनिवार यानी आज से ऑपरेशन किया जाएगा, जो कि 20 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद 28 अक्टूबर से 16 नवंबर तक पंजीकृत किए गए मरीजों का ऑपरेशन किया जाएगा। शिविर में ऑपरेशन का कार्य गुजरात से आए नेत्र सर्जनों के द्वारा किया जाता है। छठ में बिहार आने के लिए यात्री ना हो परेशान। दुर्गा पूजा खत्म हो चुका है और अब इसी महीने दिवाली और छठ पूजा भी है। इसको लेकर ट्रेन हो या फ्लाइट, सभी जगह सीटें फुल हो चुकी हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें त्योहारों में बिहार तो आना है लेकिन अभी तक टिकट बुक नहीं कराया है। उनके लिए हमारे पास एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने बीते दिन ट्वीट कर जानकारी दी है कि छठ पूजा को लेकर कुल 179 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है, जो कि त्योहार के दौरान 2,269 ट्रिप लगाएंगी। ये ट्रेनें दिल्ली पटना, दिल्ली भागलपुर, दिल्ली मुजफ्फरपुर, दिल्ली सहरसा आदि रूटों पर चलाई जाएंगी। वहीं एक और यात्रियों के भीड़ को देखते हुए फ्लाइट का किराया आसमान छू रहा है। तेतर जलाशय में आज से संग्रह किया जाएगा गंगा का पानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आज से गया के तेतर जलाशय में गंगा जल एकत्रीकरण आरंभ होगा। इसके बाद गर्मियों के दिनों में बिहार के राजगीर, गया और बोधगया के लोगों को पाइप के माध्यम से गंगा के जल की आपूर्ति होगी। गंगा जल के एकत्रीकरण के लिए तेतर जलाशय और गया बोधगया जलापूर्ति योजना के काम करीब करीब पूरा हो चुका है। गंगा जल लाने के लिए हाथीदह मुकामा से मोतनाजे नवादा तक 85 किलोमीटर, मोतनाजे से तेतर 23 किलोमीटर, मानपुर 28 किलोमीटर, कुल 151 किलोमीटर तय कर मुकामा से बोधगया तक पाइपलाइन बिछाई गई है। यहां से पूरे साल लोगों को पानी मिलता रहेगा। एक बार फिर से भरे जाएंगे शारीरिक शिक्षक के खाली पद। राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में अगले माह से 6,000 शारीरिक शिक्षक की भर्ती की कवायद शुरू होने की उम्मीद है। बड़े के पहले चरण में शारीरिक शिक्षक की बहाली के दौरान 2,000 से भी कम पदों पर भर्ती की जा सकी थी। वहीं अब रिपोर्ट के मुताबिक शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए एक बार फिर से योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मंगवाए जाएंगे। उम्मीद है कि इसके लिए अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में और नवंबर के पहले सप्ताह तक इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। पहले चरण में जरूरत के मुताबिक भारी संख्या में सीट खाली रह गई थी। वहीं कई ऐसे जिले थे जहां स्कूलों में एक भी शारीरिक शिक्षक की बहाली नहीं हो पाई थी। बाघ को देखते ही शूट करने का आदेश। वीटीआर के जंगलों में घूम रहे आदमखोर बाघ ने अभी तक कई लोगों की जान ले ली है, लेकिन अभी तक 500 वन कर्मियों की टीम में एक के भी हाथ नहीं लगा है। अभी तक इस बाघ को रेस्क्यू करने का आदेश था, लेकिन तकरीबन 7 लोगों के भक्षण करने के वाले इस नरभक्षी बाघ को मारने की अनुमति मिल गई है। इसके लिए रामनगर प्रखंड के डुमरी गाँव के समीप वीटीआर प्रशासन के अधिकारी एवं बघा पुलिस लाइन के 2 एक्सपर्ट निशानेबाज पहुँच गए हैं। ड्रोन कैमरा से बाघ का लोकेशन देखा जा रहा है। बाघ को देखते गोली मारने का आदेश दिया गया है। यहां आप मुफ्त में देख पाएंगे विदेशी पक्षियों का कलरव। आने वाले अगले महीने तक आप राजधानी पटना में मुफ्त में पक्षियों का कलरव देख पाएंगे। देशी विदेशी पक्षियों के दीदार का शौक रखने वाले पक्षी प्रेमियों को पक्षियों का दीदार करने के लिए अब और ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए बताना चाहेंगे कि राजधानी पटना में सचिवालय स्थित जलाशय में नवम्बर माह से देशी विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा, जो कि हर साल शरद ऋतु के आगमन होते हुए बिहार में दस्तक देते हैं। इसके बाद से एक बार फिर से राजधानी जलाशय
देशी विदेशी पक्षियों के चहचहाहट से गुलजार हो जाएगा। इस दौरान करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर ग्रीनिश वार्ब्लर नवंबर माह से राजधानी जलाशय में आने लगेंगे। ग्रीनिश वार्ब्लर मध्य एशिया, तजाकिस्तान, तुर्किस्तान, मंगोलिया और अफगानिस्तान को पार करके भारत आता है। बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों का समय बदला। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आपकी ज्यादातर यात्रा ट्रेनों से होती है तो यह खबर आपके लिए अहम हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों का टाइम टेबल बदल गया है। भारतीय रेलवे ने अक्टूबर 2022 से नवंबर 2023 तक के लिए ट्रेनों के लिए नए टाइम टेबल लागू कर दिए हैं। यह समय सारणी आप आराम से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार को आने वाली या बिहार से रवाना होने वाली कई ट्रेनों का भी टाइम टेबल चेंज हुआ है। इसकी विस्तृत जानकारी आप रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट inquiry.indianrail.gov.in या MNTES पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए खुशखबरी। जमीन की रजिस्ट्री कराने के साथ साथ मकानों की खरीद बिक्री करने वाले लोगों के लिए मध्य एवं निषेध विभाग की ओर से राहत भरी खबर है। दरअसल मध्य निषेध विभाग ने पहले के नियम में संशोधन किया है। मालूम हो कि अगर कोई इंसान जमीन की खरीद बिक्री करता था तो खरीद बिक्री करने से पहले जमीन की जाँच अनिवार्य थी, लेकिन मध्य निषेध विभाग ने इससे लोगों को राहत दे दी है। बिहार के कई स्थानों पर जमीन और मकान खरीद बिक्री में अनावश्यक विलम्ब होने के साथ क्रेता और विक्रेता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके लिए कई बार अधिकारी घूस भी खाते थे। इसकी शिकायत राज्य मुख्यालय तक पहुंचने के बाद यह फैसला लिया गया है और इस बाबत सभी जिला के जिलाधिकारियों को निर्देश भेजा जा चुका है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शिल्पा शुक्ला की। शिल्पा शुक्ला एक भारतीय फिल्म और थिएटर अभिनेत्री हैं। वह 2007 के स्पोर्ट्स ड्रामा चकदे में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। भारत और 2013 की नव नोयर फिल्म बीए पास, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। शुक्ला का जन्म बिहार के वैशाली जिले में एक भूमिहार परिवार में हुआ था। वह नौकरशाह राजनीतिक नेताओं और विद्वानों के परिवार से आती हैं। उनके भाई तेनजीन प्रियदर्शी एक बौद्ध भिक्षु है और उनकी बहन एक वकील है। एक हफ्ते में विदा होगा मॉनसून, प्रकृति ने दिए संकेत। बिहार में मॉनसून अब विदा हो रहा है। शरद ऋतु आने वाली है, प्रकृति से इसके संकेत मिलने लगे हैं। पटना सहित राज्य के कई जिलों में कास के फूलों की सफेदी दिख रही है। हालांकि नेपाल में हो रही आफत की बारिश से बिहार पर आफत घिराई है। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। गंडक नदी उफान पर है। विटियार के जंगलों में पानी घुस आया है। पिछले दो दिन से पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में बारिश की गतिविधियां देखी गई हैं। हालांकि अभी बारिश का सिलसिला शांत है। वहीं अगले एक हफ्ते में उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बनने के आसार हैं। 12 से 13 अक्टूबर के बाद सुबह और शाम ग्रामीण इलाकों में सिहरन महसूस होने लगेगी और ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। सभी सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर को दिया जाएगा प्रशिक्षण। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के हेडमास्टर को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण प्रखंड स्तर पर दिया जाएगा, जो कि शिक्षा विभाग के सहयोग से 10 से 12 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इस बाबत SCERT के संयुक्त निदेशक रश्मि प्रभार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण तय किए गए समय पर संचालित करने के लिए सभी DEO को पत्र भेजकर आग्रह किया है। बताते चले कि नवाचारी शिक्षा शास्त्र यानी कि इनोवेटिव पेडागोजी को लेकर माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 29 सितंबर को ही लॉन्च किया जा चुका है। इसी के तहत पहली से 12वीं तक के स्कूलों के हेडमास्टर को नवाचारी शिक्षा को लेकर दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षित किया जाना है। खरीफ फसल में मात खाए किसानों के लिए सुनहरा मौका। इस बार पर्याप्त से कम हुई बारिश की वजह से धान की फसल ने किसानों को हताश कर दिया है। हालांकि ऐसे किसानों के लिए एक्सपर्ट्स की तरफ से अहम सलाह है, खासकर वैसे किसान जिन्होंने खरीफ फसल में मात खाई है। वैसे किसान प्याज की खेती कर सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग किसानों को वैकल्पिक लगाने के लिए बीज उपलब्ध करा रही है और प्रोत्साहित भी कर रही है। प्याज की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 50% अनुदान भी मिलेगा। यानी कि अगर आप एक हेक्टेयर किसानों को 98,000 रुपये खर्च पर विभाग की ओर से 49,000 तक की अनुदान राशि दी जाएगी। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो कि हॉर्टिकल्चर की वेबसाइट पर किया जा सकेगा। सीएम सहित जल संसाधन मंत्री ने गंडक बराज का किया निरीक्षण। बिहार में भले ही इस बार पर्याप्त से कम बारिश हुई हो, लेकिन नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश की वजह से एक बार फिर से गंडक नदी उफान पर आ गई है। खतरा को देखते हुए वाल्मीकि नगर में गंडक बराज के सभी फाटक खोल दिए गए हैं। वहीं नेपाल में गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में बीते 2-3 दिनों के दौरान भारी वर्षा के कारण नदी के जलस्तर में वृद्धि की संभावना को देखते हुए बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने गंडक
बराज की स्थिति की समीक्षा की और कई जरूरी निर्देश भी दिए। विभाग ने कहा है कि अभी और भी जलस्तर बढ़ने की संभावना है। वहीं जल संसाधन विभाग ने कहा है कि यदि आपको किसी तटबंध पर खतरा दिखे तो कृपया 24/7 टॉल फ्री नंबर 1800-3456-145 पर कॉल कर सूचना दें। निकाय चुनाव के मुद्दे पर आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर बोला जुबानी हमला। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। बिहार में निकाय चुनाव में ईसीबी आरक्षण को लेकर चल रहे बयानबाजियों के बीच आरसीपी सिंह भी कूद पड़े हैं। आरसीपी सिंह ने इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। आरसीपी सिंह ने बीते दिन कहा कि निकाय चुनाव रद्द होने पर नीतीश सरकार को जवाब देना पड़ेगा। वर्ष 2007, 2012 और 2017 में यही स्थिति थी। 2022 में अचानक से ऐसी स्थिति क्यों आई, इसका जवाब सरकार को देना होगा। इस स्थिति की जिम्मेवारी सिर्फ राज्य सरकार की है। उस समय भी कोर्ट में केस गया था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है आरक्षण के लिए, आपको यह करना था लेकिन नीतीश सरकार ने नहीं किया। अस्पताल नहीं जाने वाले और सैलरी उठाने वाले डॉक्टरों पर तेजस्वी यादव सख्त। बिहार के सरकारी अस्पतालों के वैसे डॉक्टर जो अस्पताल तो नहीं जाते लेकिन सैलरी उठाते हैं, बिहार के सरकारी अस्पतालों में इनकी संख्या 700 के आसपास है। ऐसे डॉक्टरों पर अब एक्शन लिया जाएगा। डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने यह फैसला लिया है। तेजस्वी यादव ने एक समाचार चैनल से कहा है कि सरकार लगभग 705 डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है जो 6 महीने से ज़्यादा समय से अस्पताल नहीं आए हैं लेकिन सरकारी पैसा हर महीने उठा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग एक रेफरल नीति बना रही है जिससे मरीजों का समुचित इलाज जिलों में ही हो सके और उन्हें रूटीन में पटना रेफर किया जा सके। विश्व कप से पहले रवि शास्त्री ने भारतीय टीम को दिया जीत का मंत्र। बुमराह के रिप्लेसमेंट को लेकर टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने बड़ी बात कह दी है। रवि शास्त्री ने कहा कि बुमराह और जडेजा के इंजरी ने दूसरे खिलाड़ियों को खड़े होने का और दबाव में प्रदर्शन करने का मौका दिया है। ESPN क्रिकेट इन्फो पर बात करते हुए रवि शास्त्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना क्रिकेट खेला जा रहा है और लोग घायल हो जाते हैं। वह घायल हो जाता है लेकिन यह किसी और के लिए एक अवसर है, चोट के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारतीय वायुसेना का गठन 1932 में हुआ। भारत फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन का सदस्य 1998 में बना। भारतीय गेहूं पर 2004 में मॉनसेंटो का पेटेंट रद्द। कश्मीर में 2005 को भूकंप से हजारों लोगों की मौत। प्रसिद्ध वकील न्यायाधीश और नेता बदरुद्दीन तैयब जी का जन्म 1844 में हुआ। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार का जन्म 1926 में हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार एवं उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का निधन 1936 में हुआ। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता और स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का निधन 1979 में हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ लेखक पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी कमलापति त्रिपाठी का निधन 1990 में हुआ और आज ही के दिन भारतीय वायुसेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे यूजर्स को मिलने वाले फ्री रिचार्ज के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फोन यूजर्स को 3 महीने का रिचार्ज फ्री मिलने के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक वायरल व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सभी भारतीय यूजर्स को 3 महीने का रिचार्ज फ्री में दे रही है। PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यह दावा फर्जी है, भारत सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनोज कुमार, रघुनाथ प्रसाद, मंगिता भारती, कृष्ण मुरारी यादव, दिव्या भारती, मुकेश कुमार, पवन सिंह, राधेश्याम, अजीत कुमार सिंह, बाबूलाल मरांडे, राकेश शर्मा, शंकर मुखिया और अमरजीत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि तेजस्वी यादव की सक्रियता को देखते हुए आपको क्या लगता है, पूर्व की अपेक्षा आने वाले समय में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आएगी? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।